हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुकिंग दिल से मैं आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट बन जाती है। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर पे बना के खाइए। बाहर से महंगी पाव भाजी खाने के बजाय अगर घर पे आप बनाएंगे तो सभी लोग बहुत अच्छे से खा लेंगे और बहुत ही कम पैसों में ये बन भी जाती है और सभी पूरा परिवार इजीली खा लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर आपको एक चम्मच तेल डाल लिए और तेल गर्म हो जाए तो एक छोटी चम्मच जीरा डाल लीजिए और जीरा जब अच्छे से पक जाए तो उसमें आपको मसाला डालना है, पाव भाजी आधा चम्मच, और जल्दी से आपको आलू डाल देने हैं तो ताकि मसाला जले नहीं, और अच्छे से उसे चला दीजिए। फिर भी हल्का सा ब्राउन हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसमें हम डाल देते हैं गाजर। गाजर को मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काटा है, तो आप जिस मर्जी शेप में काट सकते हैं, आखिर में वो पक ही जाएंगे। और साथ में मैं थोड़ी से गोभी के फूल ले रही हूँ, ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में डाल देना है आधा कप मटर। कप मटर ले रही हूँ, तो आधा कप मटर हम बाद में यूज़ करेंगे जब मसाले बनाएंगे। तो बस इसको इस तरह से हिला दीजिए और उसमें 1.5 लीटर तक आपको पानी डाल देना है। साथ में ही आपको नमक डाल देना है ताकि टेस्ट जो है अच्छा आए, सब्जियां जो है फीकी फीकी ना लगे। फिर लिड लगा दीजिए और 2 से 3 सीटी लगा के सब्जियों को अच्छे से पका लेना है, और जब अच्छे से पक जाए तब उन्हें आपको मैश करना है। तो देखिए, सीटी हमारी 2 से 3 आ चुकी है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर सब्जियों को हम मैश कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, पैन चढ़ा लेते हैं और इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल लेना है। आप यहाँ बटर या घी का यूज़ कर सकते हैं, मैं तेल यूज़ कर रही हूँ तो बटर या घी का मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो अब क्या करना है, तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो कद्दूकस किया हुआ लहसुन अदरक इसमें डालना है। तो अच्छे तरह से आपको इस लहसुन अदरक को पकाना है, अच्छे से ब्राउन कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ना रहे। कच्चापन रहता है तो स्वाद अच्छा नहीं आता। वो अच्छे से 2 से 3 मिनट में ब्राउन हो चुका है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याज को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे अच्छे से आपको पकाना है। हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम सब्जी के लिए करते हैं। तो जब हल्का सा इस तरह से ब्राउन हो जाए तो अब इसके अंदर आपको डाल देने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, और साथ में ही डालना है आपको 3 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च इस तरह से बारीक कटा हुआ, और साथ में डाल दीजिए आप मटर, जो हमने आधी मटर बचाई थी वो इसमें यूज़ कर लेंगे, और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल देंगे। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारी जो सब्जियां हैं अच्छे से पक जाए, और कम टाइम में सब्जियां पक जाती हैं जब हम नमक ऐड कर देते हैं। तो अच्छे से इसे चला देते हैं और इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो सब्जियां हमारे अच्छे से पक जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हमें ढक के रखना है और फिर इसको खोलना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो सब्जियाँ तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट दिख रही हैं और काफ़ी पक चुकी हैं, एकदम टमाटर भी गल गए हैं। तो अच्छे से इसको चला देते हैं दबा दबा के। मसाले अब इसमें ऐड कर देंगे। तो मसाले में हम क्या, पाव भाजी का जो रेडीमेड मसाला आता है वो वाला यूज़ कर रही हूँ। तो 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं पहले डाल चुकी हूँ। साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छे से आए। साथ में आप कसूरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी इसमें नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को अच्छे से पका लेंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, तेल छोड़ने लगे, तो अब इसके अंदर आप थोड़ा सा घी या बटर डाल दीजिए तो इसका टेस्ट है और भी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाले अब अच्छे से 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जो घी है बढ़िया से मेल्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब इसमें हम धनिया डाल लेंगे। धनिया, ढेर सारा धनिया डालने हैं, इससे जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आएगा। 1 नींबू का रस इसमें आप डाल दीजिए क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि नींबू हम अब आगे भी सर्व करेंगे तो थोड़ा ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें डाल देने हैं सब्जियां, जो हमने बॉईल करके सब्जियां रखी थी, मैश करी कर ली थी मैंने सब्जियों को। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, मसाला और जो सब्जियां हैं अच्छे से मिक्स हो जाए 1 से 2 मिनट तक। इस तरह से आपको अच्छी तरह से चला के इसको मिक्स कर देना है। तो अब अच्छे से जब मिक्स हो गया है तो ढक के हम 1 से 2 मिनट तक पकाड़ लेंगे, इससे स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और सब्जी देखिए अच्छे से एकदम
बॉईल आना शुरू हो गया है, तो ये इस तरह से अगर बॉईल आएगा तो उछलेगा, तो इसे उस तरह से तेज़ी से उबालना नहीं है, बस धीमी आंच पे इसे पकाना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पक चुका है। पाव वाली हमारी ये भाजी जो है बन के तैयार हो चुकी है, तो अब इसको चलिए साइड में रख देते हैं और अपने पाव तैयार कर लेते हैं। तो तवा चढ़ा दिया है मैंने, अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं बटर, साथ में थोड़ी सी धनिया हरा डाल देंगे और थोड़ी सी 1 से 2 चम्मच सब्जी डाल देंगे, और फिर इसके अंदर पाव काट के हम इसके ऊपर सेकेंगे, तो उससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जो पाव भाजी वाला होता है तवे में ही भाजी बनाता है और जब सारी भाजी निकाल लेता है तो उसी तवे पे पाव को सेकता है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा सा आता है भाजी वाला उसमें। तो इसी तरह से हमने भी किया, बस इसके अंदर इस तरह से सेक लीजिए। बटर नीचे भी लगा दे रही हूँ ताकि नीचे से भी अच्छे से सिक जाए, तो काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरह देखिए कितना सॉफ्ट हो गया, एकदम टूटने लगा है, तो बहुत बढ़िया से सिक चुका है। तो बस अब इसे हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे, प्लेट में सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो बस इस तरह से उसको एक ज़रा सा एक बारी और सेक दे रही हूँ नीचे से, थोड़ा सा और करारा सा और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, तो अब सर्व कर देते हैं। तो इसे मैं अब फोल्ड कर दे रही हूँ, आप चाहे ऐसे भी रख सकते हैं, प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और कोई प्लेट ले लेते हैं, उसके अंदर हम भाजी डाल लेते हैं। तो हमारे जो ये पाव है बहुत ही अच्छे से भर भर के बटर हमने सेक लिए हैं, तो सब्जी को भी सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो सब्जी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही पतली भी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि पाव से इजीली हम उठाएं तो पाव में अच्छे से सब्जी लग जाए। तो थोड़ा सा बटर इसमें डाल देते हैं, तो और प्लेट में थोड़ी सी प्याज और नींबू के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी, बहुत ही मज़ेदार खाने में लगता है और बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और इस तरह से जब ये भाजी बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये भाजी, बहुत ही स्वादिष्ट बनी भी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बारी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को में लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं, चैनल पर पहली बारी आए हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।